हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 17 ट्यूटोरियल है कोडिग्नेटर का, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम index.php को अपनी फाइल से रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पर देखा होगा, जितनी बार भी हम इसे एक्सेस कर रहे थे तो यहाँ पर हम index.php में लिखना पड़ा था, तब जाकर ये एक्सेस हो रहा था। और उसके बाद आप जो भी करते हैं कंस्ट्रक्टर या फिर मैथड लिखते हैं, तो उससे पहले आपको index.php लिखना पड़ता था। अब हम क्या करेंगे, कुछ फाइल्स को कॉपी करेंगे, कुछ नए फाइल्स क्रिएट करेंगे, जिससे ये हम इसे रिमूव कर पाएंगे और हमारा जो URL हो जाएगा वो और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ डॉक्यूमेंटेशंस में, इधर डॉक्यूमेंटेशन में जाइए। यहाँ पर आपको मिलेगा जनरल टॉपिक्स के अंदर कोड इग्नाइटर URLs। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे रिमूविंग द URL.php फाइल, इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, जो यहाँ पर index.php लिखा हुआ है, इसे आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको आपको कॉपी करना है सबसे पहले। और देखिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन इसने दी है। और यहाँ पर देखिए नोट भी लिखा हुआ है कुछ, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। तो देखिए, आप जाएंगे उसके बाद सबसे पहले अपने टेक्स्ट में, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का नेम है वहाँ पर, इसे मेरे प्रोजेक्ट का नेम है विजय CI, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और इस फाइल को सेव करूँगा, और किसे करूँगा, .ht एक्सेस से, इस तरीके से इसको इस नेम से हमें सेव करना होगा। और इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस कोड को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर इसे करते हैं सेव, और इसके अंदर इसे कोड को करते हैं पेस्ट। ये क्या कर रहा है आपका, कहते हैं जो रीराइट इंजन है उसे ऑन कर दे रहा है। तो देखिए, इसे सेव कर लेते हैं। अब हम देखिए अपने कोड में जाएंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से पहले से रेफ्रेश करते हैं। देखिए, यह index.php के द्वारा ये एक्सेस हो रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ index.php को इस तरीके से, और यहाँ पर इसे एंटर दबाऊँ, तो फिर भी हम इसे देखिए एक्सेस कर पा रहे हैं बिना index.php के। अगर आप index.php लगाते हैं फिर भी आप इसे एक्सेस कर पाएंगे, और नहीं लगाते हैं तो फिर भी आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हमारा कोड था। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी किसी भी ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको इसमें एरर आ रहा हो, तो हम कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।